आज दिन में 2 बजे कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक पारासर, कांग्रेस के पदाधिकारी लोकेश शर्मा, ब्रजेश पांडे, कुछ लोगों को लेकर जाति समाज बिरादरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए और वहां पर इन्होंने हमारे जो उपस्थित कार्यकर्ता थे उनसे दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की और वहां पर एक शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उदयपुर का एक टिकट भाजपा कार्यालय के भीतर घुस के दीवार पर चिपका के गए, एक पानी की बोतल रख के गए और एक बिस्कुट का पैकेट रख के गए। और जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया, मैं कह सकता हूँ कि अजमेर के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में घुसकर टिकट देकर आए और इस तरह इसका व्यवहार करे। तो इस संबंध में आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल माननीय जिला कलेक्टर जी से मिला और जिला कलेक्टर से हम इसलिए मिले कि आदर्श आचार संहिता का भी ये उल्लंघन है। कोई भी समाज हो, वह इस तरह का कृत्य करने का स्वीकृति कोई भी समाज नहीं दे सकता। लेकिन कांग्रेस केवल जब भी चुनाव राजस्थान के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, जब भी चुनाव आते हैं इस चुनाव को जाति बिरादरी में बांटने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी करती रही है और जाति बिरादरी के नाम को लेकर इस अजमेर के अंदर विभाजनकारी कार्यवाही कांग्रेस ने शुरू करी है। आज हमने कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान भी सुना है और उस बयान में वो किसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमने कलेक्टर साहब से भी कहा है कि इसको आदर्श आचार संहिता के अंदर निष्पक्ष कार्यवाही करें। दूसरा, हमने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ज्ञापन दिया है क्योंकि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुसना, घुसकर धमकी देना और उदयपुर जाने की, जाति बिरादरी की बात करना, इन सब बातों को लेकर आज हमने माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ज्ञापन देकर निष्पक्ष कार्यवाही की निवेदन किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते इस संपूर्ण महानगर के हमारे सब भाई बहनों से भी अनुरोध करूँगा कि कांग्रेस जब भी चुनाव आते हैं जाति बिरादरी का खेल खेलती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी 36 कौमें मिलकर साथ चलती है। हम कभी जाति बिरादरी के बात नहीं करते, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। कांग्रेस चुनाव आते ही विकास के मुद्दे को मोड़कर जिस प्रकार से जाति बिरादरी पर ले जाकर इस शहर का वातावरण खराब करने का षड्यंत्र कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ब्राह्मण समाज के श्री सुदामा शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया था, मैं उस समय एक बैठक में था और मैं श्री सुदामा शर्मा जी से भी ये कहना चाहूँगा कि पूरे ब्राह्मण समाज ने उनको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया। आज ब्राह्मण समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ भी, पूरा ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा समुदाय है। मैंने पहले भी कहा कि पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर चलती है और श्री सुदामा शर्मा के बारे में मैं ये निवेदन करूँगा कि वर्ष 2003 के अंदर ये भी जब वासुदेव जी देवनानी ने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उनके सामने उतरे थे। और इसलिए कांग्रेस हो चाहे सुदामा शर्मा जी हो, इस तरह से उनको चुनाव के समय इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। यह कृत्य अजमेर की जनता को, मैं समझता हूँ कोई भी समाज इसको पसंद नहीं करेगा।